हाल ही में तपती धूप के प्रकोप के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने विदर्भ के सभी जिलों और तहसीलों के तहत आने वाली प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों को 30 जून 2023 से शुरू करने का आदेश दिया है। बावजूद इसके दिग्रस्त शहर में इस आदेश के पालन और उल्लंघन का मिला जुला मंजर सामने आ रहा है। पेशे दिग्रस्त से संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। इस साल की गर्मी ने उच्च तापमान की सारी हदें पार कर ली है। बीते दिनों मुंबई में उष्माघात से कई लोगों की जाने तक जा चुकी है। विदर्भ में तो जून माह में भी आग की तरह बरस रही कड़ी धूप से लोग परेशान हैं। इसी बात के मद्देनजर विदर्भ में राज्य शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर सभी स्कूलों को अपनी अपनी स्कूलें आगामी 30 जून से शुरू करने की हिदायत दे रखी है। बावजूद इसके दिग्रस शहर में कई कथित नामी गिरामी स्कूल प्रबंधन हमेशा की तरह अपनी मनमानी और अपने अड़ियल रवैये पर जमे हुए हैं। उनकी स्कूल में फाउंडेशन नाम से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू है, जबकि दूसरी तरफ सूचना मिलते ही कई स्कूलों ने पहले ही अपने क्लासरूम बंद करते हुए विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाना बंद कर दिया है। कई स्कूलें शिक्षा विभाग द्वारा निर्गमित आदेश का उल्लंघन कर सफाई से अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ लोग 10वीं 12वीं के सिलेबस का बोझ तो कुछ लोग विद्यार्थियों के अभिभावकों का कक्षाएं शुरू करने का आग्रह की बात सामने रख रहे हैं, तो कई लोग आगामी 30 जून तक की 15 दिन की छुट्टियों से विद्यार्थियों के भारी शैक्षिक नुकसान का दावा कर रहे हैं। कई चतुर शिक्षक और मुख्याध्यापक भी ये कह रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को केवल सुबह 11 बजे तक ही 10वीं की कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ताकि उन्हें धूप के प्रकोप से बचाया जा सके। अब इस सारी स्थिति को देखते हुए लगता है कि कई निजी स्कूलों के लिए सरकारी निर्देश और सरकारी आदेश बेमायने हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अगर मतलब किसी बात का है तो अपनी मर्जी का है, फिर चाहे शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर एक सूचना पत्र जारी करे या 10 सूचना पत्र जारी करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है तहसील शिक्षा विभाग ने भी इन स्कूलों की मनमानी के सामने हथियार डाल दिए हैं। NBCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।